सभी का ना मुझे एक ही सवाल आ रहा है कि शमारू बॉलीवुड और शमारू क्लासिक को लेकर जितनी बड़ी भविष्यवाणियां की गई थी वो सभी जो है विफल रही हैं। किसी भी चैनल ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। डीटी फ्रिडिश की 75 ई ऑप्शन में हमने देखा कि 64 चैनल स्लॉट तो जीते, लेकिन उसमें ना तो शमारू क्लासिक का नाम है और ना ही शमारू बॉलीवुड का। तो आखिर वो कहां गए सारे दावे, वो कहां गए सारी बातें जब आपने हमें कही थी कि वो इस बार डीटी फ्रिडिश का पार्टिसिपेशन करेंगे, हिस्सा बनेंगे और हमारे लिए लॉन्च होंगे। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है कि हमने जो बड़े दावे किए हैं ना, उसके पीछे वजह थी शमारू का अच्छा संबंध होना डीडी फ्रिडिश के साथ। शुरू से जितने भी चैनल शमारू ने आज तक लॉन्च किए हैं उन्हें सबसे पहले डीडी फ्रिडिश का ही हिस्सा बनाया है। शमारू टीवी को देख लो, फन टीवी के नाम से सबसे पहले आपके डीडी फ्रिडिश पर ही आया, बाद में लोगो चेंज हुआ तो वो शमारू टीवी बन गया। इसके अलावा आप शमारू उमंग को देख लो, वो भी डीडी फ्रिडिश पर ही सबसे पहले आया। और इसके अलावा अगर हम तीसरे चैनल के बारे में बात करें तो उसका नाम रहेगा चुंबक टीवी, वो भी डीडी फ्रिडिश पर ही सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है। और हाँ, यहाँ पे शमारू मराठी बाना भी है जो कि इस बार हमें डीडी फ्रिडिश पर, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो हमें छोड़कर जा रहा है, तो वो भी डीडी फ्रिडिश पर सबसे पहले ही आया था। तो कुल चार ऐसे चैनल है शमारू की है जो कि सबसे पहले डीडी फ्रिडिश पर ही आए हैं, और उन्हीं को देखकर हम ये कह रहे थे कि भाई आपका शमारू बॉलीवुड और शमारू क्लासिक चैनल भी डीडी फ्रिडिश पर सबसे पहले ही आएंगे अगर वो लॉन्च होने को तैयार है। लेकिन हुआ रीजन ये है कि भाई ये जो चैनल है ना वो अभी तक आपके लिए तैयार नहीं है लॉन्च होने के लिए। क्या कारण है इसके पीछे कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके बारे में भी आपको मैं डिस्कस करूंगा। चैनल पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले समय में हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। देखिए यहां पर ना दो वजह निकलकर सामने आई है। सबसे पहली वजह है डीडी फ्रिडिश का बिड प्राइस बढ़ जाना, यानी कि इस बार जो ई ऑक्शन हुई है ना उसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, उसमें जहां एक तरफ ये अमेंडमेंट हुआ था कि चैनलों को जो है ओरिजिनल कंटेंट पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बकेट के अकॉर्डिंगली, और इसके अलावा उन्होंने यहां पर जो है बिड प्राइस को भी इंक्रीज किया है, यानी कि हर एक कैटेगरी में हर एक बकेट में कुछ प्राइजेस को इंक्रीज किया गया है, जिसकी वजह से चैनल ने जो है अपने आप को बेहतर नहीं समझा कि भाई यहाँ पे जो है इन दोनों चैनलों को फिलहाल पार्टिसिपेट करना सही नहीं है। आपने खुद ही नोटिस किया है भाई शमारू टीवी है या फिर शमारू उमंग है या चुंबक टीवी है, इन्होंने भी लास्ट राउंड में जाके पार्टिसिपेट करके अपने चैनलों को विजेता घोषित किया है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हम शुरुआत में ही पार्टिसिपेट कर लेंगे तो हमें भारी से भारी बिड प्राइस लगानी पड़ेगी और वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए जो भी मोस्टली चैनल्स होते हैं ना वो लास्ट बिड का इंतजार करते हैं, लास्ट राउंड का इंतजार करते हैं कि जब डीडी फ्रिडिश की ई ऑप्शन आखिरी समय पर पहुंच जाएगी तो डीडी फ्रिडिश को भी लगता है कि भाई थोड़ा सा प्राइस डाउन कर दो ताकि हर एक चैनल जो है जो रह गया है वो पार्टिसिपेट करने में आसानी बरते। तो यहां पर जो है हर एक चैनल चाहता है कि उसको कम से कम कीमत देनी पड़े अपने चैनल को दिखाने के लिए, और यही शमारू की ओर से भी हुआ। उन्होंने जो है चुंबक टीवी को या शमारू उमंग को आखिरी में पार्टिसिपेट करवाया और वह स्लॉट ले भी गए। लेकिन आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी कि यही बिड प्राइस की वजह रही है कि शमारू मराठी बना जैसे बड़ा चैनल जो कि मराठी फिल्मों का था, कई सालों से डीडी फ्रिडिश पर बना हुआ था, उसने डीडी फ्रिडिश का दामन छोड़ दिया। वो इस बार डीडी फ्रिडिश पर अप्रैल से बंद हो जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बिड प्राइस की सबसे बड़ी वजह भी रही है जिसके कारण उनका पुराना शमारू मराठी बना चैनल भी डीडी फ्रिडिश को छोड़कर जा रहा है। तो शमारू क्लासिक और शमारू बॉलीवुड की उम्मीद हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी जो वजह एक और आई है वो ये है कि इनको अभी तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस का क्लीयरेंस भी नहीं मिला है। भारत सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है कि आप अपने चैनल को शुरू कर लो। और आपको मालूम ही है कि डीडी फ्रिडिश की जो ई ऑप्शन का नोटिफिकेशन आता है उसमें साफ मेंशन होता है कि जो भी चैनल लाइसेंस डॉजेस के पास भारत सरकार से लाइसेंस हो वही आवेदन कर सकता है, वही हमारे लिए लॉन्च हो सकता है। शमारू ने पूरी कोशिश की कि भाई उनको आखिर समय तक लाइसेंस मिल जाए, लेकिन इन चैनलों को शुरू करने का लाइसेंस उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने MPG2 में हिस्सा नहीं लिया। अब MPG4 की ई ऑक्शन भी आपको मालूम है आने को है, अगर उससे पहले पहले इनको कहीं ना कहीं भारत सरकार से कुछ नोटिस आ जाए कि भाई हम आपको लाइसेंस क्लियरेंस देने वाले हैं तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको जो है एक रिसिप्ट मिल जाएगी कि भाई हम जो है अपना लाइसेंस जल्द ही प्राप्त करने वाले हैं तो हम अपने चैनल को MPG4 में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। लेकिन अगर उनको ऐसा नहीं मिला तो उनको जो है इस बार डीडी फ्रिडिश में मौका नहीं मिलेगा और इन चैनलों को कुछ और समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डीडी फ्रिडिश का तो आपको मालूम ही है प्रोरेटा बेसिस पर भी ई ऑक्शन होती है। अभी तो चैनल बेशक एक साल के लिए विजेता घोषित होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन वो कब तक अपने आप चैनल को बरकरार रखेंगे डीडी फ्रिडिश में, ये तो आप भी जानते हैं। कुछ चैनलों के महीनों बाद ही डीडी फ्रिडिश का जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वो चैनल बंद हो जाता है, उस पर करार बाज आ जाते हैं और उसके बाद एक बार फिर से डीडी फ्रिडिश उन स्लॉट्स को भरने के लिए ई ऑक्शन करता है। तो शमारू के पास आने वाले समय में भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आने वाले समय में जो उनको लाइसेंस की क्लियरेंस मिल जाएगी तो वो चैनल को पार्टिसिपेट भी वापस करवा सकेंगे।
तो दोस्तों दो यही ऐसी बड़ी वजह रही हैं जिसके कारण से शमारू क्लासिक और शमारू बॉलीवुड डीडी फ्रीडिश का हिस्सा नहीं बना है। तो आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल चल रहे हैं तो नीचे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मेरे ख्याल से अगर फिलहाल नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसके अलावा जो बाकी चैनलों ने पार्टिसिपेट किया है उन्हें देखकर भी अपने मनोरंजन को बढ़ा सकते हैं।